सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम टू माय न्यू वीडियो और स्ट्रीम कह सकते हैं एक तरीके से। एक्चुअल में नेट नहीं है तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बताना मेरे को कि ओवरले कैसा लगा। एंड जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर 82 प्लेयर्स एंड 22 टीम्स। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर प्लेन फ्लाइट पर देखना भूल गया था। ओके सो यहाँ पर प्लेयर्स जो कि यहाँ पर उतर चुके हैं और चलते हैं गाइस विनर टाइम में। टीम नंबर 20 के पास हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पर फाइट जो है कि चालू हो चुकी है। सो यहाँ पर कुर्व वर्मा आ चुके हैं अपने यहाँ पर टी एम ई के मिस्टर डेनो भाई यहाँ पर फाइट ले रहे हैं वर्सेज टीम नंबर 19 के प्लेयर्स। यहाँ पर टीम 20 वर्सेस टीम नंबर 19 के प्लेयर्स जो कि फाइट लिया जा रहा है। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या सीन होता है क्या नहीं। ओके एक प्लेयर तो नॉकआउट हो चुके हैं। सो दो प्लेयर यहाँ पर एक प्लेयर नॉकआउट हुआ है जो कि है यहाँ पर टीएमए मिस्टर डिनो भाई को। यहाँ पर हिटमैन जो कि नॉकआउट हो चुका है तो ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पर टीएमए मिस्टर डिनो को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी क्या सीन होता है। फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके। टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 19। प्लेयर लिस्ट की एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन टीम खेल रही है। देख लो गाइस यहाँ पर फिर देखते हैं यहाँ पर एक सार एक डांटे जो कि यहाँ पर फाइट लिया जा रहा है। सो फिलहाल के लिए टीम 20 वर्सेस टीम नंबर 19 बूम बम फाइट चल रहा है। टीम नंबर 20 के प्लेयर्स भी घायल हो चुके हैं फिलहाल के लिए, बहुत ही लो है हेल्थ में। यहाँ पर टी एम ए मिस्टर डीनो भाई यहाँ पर वर्मा क्या करता है देखते हैं गाइस। पर मस्त लेटे हुए हैं, चाहे तो मर सकता था प्लेयर्स को, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही उनका माइंड में चल रहा है कि क्या पता। देखते हैं फिलहाल क्या हो रहा है क्या नहीं। टीम नंबर 19 वर्सेस टीम नंबर 20। यहाँ पर और किसी जगह पे फाइट चल रहा है जो कि यहाँ पर एसएसडी के क्लैन मेंबर्स यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। सो फिलहाल हम लोग यहाँ की कंप्लीट करके जो है हम लोग वहाँ पर चलेंगे। और यहाँ पर टीम 19 वर्सेस टीम 20 का एक प्यारा सा छोटा मोटा नॉकआउट देखने को मिला है। पर बोल्ट जो कि नॉकआउट हो चुका है टीम नंबर 19 के तरफ से। सो इनको जो है ईजी ख़त्म कर दिया जाएगा, बहुत ही लो हो चुके हैं हेल्थ में। करंटली इज़ ऑन 1 HP एंड यहाँ पर इसको जो है रिवाइव दिया जाएगा। बहुत तेज़ जो है यहाँ पर आ चुके हैं प्लेयर्स। एफ एंड टी तीत भाई यहाँ पर एक किल लेते हुए इवेंट एडी यहाँ पर देख मस्त टीपीपी लिया जा रहा है। मैं चलता हूँ यहाँ पर एक एरियल व्यू की तरफ एंड लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 19 वर्सेस टीम नंबर 20 के प्लेयर्स जो कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से होल्डिंग कर रहे हैं कंपाउंड। 2v4 सिचुएशन है मेरा जी। हाँ गाइस 2v4 सिचुएशन और चलेंगे यहाँ पर दूसरी टीमों के पास भी और यहाँ पर पूरी की पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया जाएगा बाई टीम नंबर 19। बहुत ही प्यारा तरीके से यहाँ पर जो है माइंड गेम्स खेले एंड यहां पर 4 किल्स आता हुआ टीम नंबर 19 के प्लेयर्स के साथ क्लैन के साथ। चलते हैं लैंस के पास, आई मीन टीम नंबर 14 के पास। ओके बीएस श्रेयंश भाई यहाँ पर भी फाइट ले रहे जो कि टीएस निंजा को नॉकआउट करते हुए। यहाँ पर ट्रिक्सटर भी एक को नॉकआउट करते हुए और बीएस की टीम आ चुकी है और देखेंगे हम लोग टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 6 के प्लेयर्स भी। श्रेयंश भाई यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं और यहाँ पर गरुदा यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर दे लेट्स सी यहाँ पर। ओके शॉट दे रहे थे लेकिन 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 बहुत सारी टीम आ चुकी थी। यहाँ पर टीएस निंजा यहाँ पर है, आई मीन टीम नंबर 12 के प्लेयर्स हैं, टीम नंबर 14 के प्लेयर्स हैं, टीम नंबर 18 के प्लेयर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। सो लेट्स सी ओके। सो यहाँ पर एस क्यू डी के प्लेयर्स अभी भी फाइट ले रहे हैं और यहाँ पर टीम नंबर 14 के प्लेयर्स थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे मेरे हिसाब से। शायद से यहाँ पर एक और प्लेयर स्टैंड अप करें, फ्रैगर यहाँ पर अकेला रुका हुआ है। ओके प्री फायर दे रहा है शायद से, उसको लगा है कि प्लेयर्स वहाँ पर है। टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 14 नंबर बूमर, 3-4 टीम आ चुके हैं यहाँ पर। किसी और जगह भी फाइट चल रही है, लेट्स सी वहाँ पर भी चलेंगे हम लोग। लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 25 इज टेकिंग फाइट और नॉट, लेट्स सी चलेंगे उनके पास, जल्दी से चलते हैं। एक्सैक्ट की टीम आ चुकी है, एक स्टैक ब्रेनिया एक्स एंड यहाँ पर सुरोपी आ चुके हैं 2 किल के साथ एंड दैट मेक्स अप टीम नंबर 25 4 किल्स इन टोटल।
तो फिलहाल के लिए अच्छा खासा किल निकाल। तो यहाँ पर एस क्यू डी टीम अभी भी फाइट ले रही है किसी और टीम से, एस क्यू डी की टीम फाइट ली ही जा रही है। सो चलते हैं, एस क्यू डी टीम कौन सी नंबर पे है मैं देख ल ओके यहाँ पर है फिलहाल के लिए, हम चलते हैं उनके पास टीम वो थ्री के पास, जो कि यहाँ पर एन आर एक्स की टीम आ चुकी है। लेट्स सी, यहाँ पर एन आर एक्स बंजो आ चुके हैं 2 किल के साथ, यहाँ पर चीन 0 किल के साथ, फैंक्रो यहाँ पर 1 किल के साथ, एंड यहाँ पर रिकिज यहाँ पर 1 किल के साथ टीम नंबर थ्री के पास आ चुका है 4 किल्स। और यहाँ पर 2 प्लेयर को नॉकआउट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फाइट बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। सो फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 23 के पास भी फाइट देखने को मिल सकता है। मैफ है फिकेट निका, आप लोग देख रहे हो यू आर ऑफिशियल्स टीयर कस्टम्स, एंड मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त कास्टर फॉर टुडे मार्क गेमिंग। एंड देखते हैं यहाँ पर किसको मिलता है यहाँ पर आज का विनर, विनर चिकन डिनर। सो लेट्स होप, लेट्स सी गाइस यहाँ पर जो कौन सी टीम होगी बढ़िया, सो उसी को मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं भाई होगा ओके, यहाँ पर टीम 23 के पास भी बूम बम फाइट हो रहा है। यहाँ पर डिमोन ओपी ने एक को मार किया है, एंड टीम 23 के पास आ चुका है टोटल 2 किल्स फिलहाल के लिए। शॉट्स दे रहे हैं यहाँ पर यू ओ पी कार 98 से शॉट्स दे रहे हैं, पटका दे रहे हैं टप टप करके। सो देख लेट्स सी, ओके ओके सो यहाँ पर 2 प्लेयर बचा हुआ है, मेरे को लगा 1 प्लेयर बचा हुआ है। सो यहाँ पर टीम हल्का सा फॉल बैक करेंगे अपने गाड़ी को लेके। सो प्लेयर्स की अगर बात ओके यहाँ पर है एसक्यूटी की टीम इतने आखिर में, तो भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा था कैसे दिखेगा। तो पर लास्ट के कुछ टीम्स बची हुई हैं, जोन बहुत ही छोटा होता है, श्रिंक हो रहा है, मैप काफ़ी बड़ा है, प्लेयर्स यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स एकदम साइड के एज पकड़ के खेल रहे हैं, और एकदम श्रिंक होता जा रहा है जोन। यहाँ पर टीम 25 एकदम नीचे की तरह है हॉट स्प्रिंग की तरफ, और लेट्स सी हम देखते हैं डी विन अमल भाई यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर टीम नंबर 19 के तरफ से फाइट लिया जा रहा है। लेट्स सी चलेंगे उनके पास, जो कि यहाँ पर टीम नंबर 8 के पास आ चुके हैं 1 किल के साथ, अपने आप को हीलिंग करेंगे ना यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है सीन। ओके ओके एक प्री फायर तो दिया गया, शॉट दिया गया, लेकिन लेकिन टीम नंबर 19 के बंदे ने यार क्या ही मारा पटका, और यहाँ पर खत्म हो जाएंगे बंदे। सो दैट मेक्स टीम नंबर 19 8 किल के साथ यहाँ पर टीम नंबर 19 के पास आ चुका है 8 किल्स गाइस। ओपी यार क्या ही मारा यार, मजा आ गया। इस चीज़ को भी नहीं बताया, एक और बार बता देता हूँ, मेरे पास मेरा वाईफाई जो है लाइक यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है ऑफ है फिलहाल के लिए, और यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो क्या ही कह सकते हैं गाइस, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस वाले भाई लाइन ही ऑफ कर दिया भाई, बताओ। ओके सो टी नो 19 बहुत ही बढ़िया खेला है, यहाँ पर चलेंगे टी नो 24 के पास, क्योंकि डेविल डेविल वाइपर आ चुके हैं, मैं वैम्पायर बोलने वाला था एक्चुअल में। सो डेविल वाइपर भाई यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर यूजी एंड एसकेएस के साथ यहाँ पर क्या मचाने थे या फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। टी नो 23 के प्लेयर्स जो कि टी डी एस आई डी ओ पी आ चुके हैं 1 किल के साथ, एंड 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 डिमोन ओ पी भी 1 किल के साथ भी आ चुके हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ओके अरे प्लेयर्स बहुत दूर है या फिर फाइट नहीं ले रहे हैं, देखते ओके जोन आ रहा है, तो मैप के जो जोनों के काफ़ी श्रिंक होगा। सो देखते हैं यहाँ पर ड्रॉप गिरा है, और यहाँ पर टीम नंबर 18 वर्सेस टीम नंबर 14 के प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं यार, फाइट क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर ये लोग, क्या हो गया।
फ्रैगर को एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। फ्रैगर भाई यहाँ पर स्मोकी के पास फिलहाल के लिए तो एक किल है, यहाँ पर टीपीपी लिए रहे हैं। सो मैं एक एरियल व्यू ले लेता हूँ। ओके यहाँ पर प्लेयर्स को जो है अटका के रखें, एकदम होल्ड करके रखें कि भाई तुम लोग को हम लोग निकलने नहीं देंगे। टीम नंबर 14 के प्लेयर्स वर्सेस टीम नंबर 18। सो लेट्स सी यहाँ पर कौन सबसे पहले नॉकआउट होता है। इज इट गोना बी टीम नंबर 14 विथ और या फिर ओके यहाँ पर फ्रैगर ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर नॉकआउट कर दिया दो के दो प्लेयर्स को। अरे भाई क्या ही मारा यार, मज़ा आ गया। एक एम के साथ स्प्रे और यहाँ पर स्मोकी भी साइड से रश कर रहा है फ्रैगर के साथ। जी हाँ गाइस, सो देख लेंगे हम लोग यहाँ पर दो के दो प्लेयर्स साइड से जाते हुए, एक लेफ्ट से और एक राइट से, और यहाँ पर स्मोकी का एक स्प्रे और ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रैगर भी एक और को ख़त्म कर देगा और यहाँ पर फ्रैगर खुद डाउन हो चुके हैं गाइस। स्मोकी यहाँ पर अकेले बचा हुआ है, देखते हैं स्मोकी का गेम प्ले। यहाँ पर एक और स्प्रे देते हुए स्मोकी यहाँ पर नॉकआउट कर सकता था। लेट्स सी यहाँ पर लैंस भी आ चुके हैं। लैंस एक क्या करेंगे देखते हैं, एक एम को रिलोड करते हुए यहाँ पर एक एम एन M416 यहाँ पर रिलोड कर रहा है बंदा। यहाँ पर बाहर हो चुके हैं प्लेयर्स, यहाँ पर देखेंगे टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 18 के एक प्लेयर बचा हुआ है जो आरबीडी डेड शॉट है यहाँ पर, और फ्यूरियस WNL बहुत ही दूर है आ चुके थे। सो डेड शॉट को पास यहाँ पर मॉली फेंक के यहाँ पर जो है बाहर निकलने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन डेड शॉट एकदम अगड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग निकलूंगा नहीं भाई, मैं इसका क्या ही मतलब होता है भाई, तुम ऐसे भी मॉली से नॉकआउट हो गए और भाई किल्स तो मिल ही जाएगा मॉली का। सो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर डेड शॉट। सो फिलहाल यहाँ पर फ्यूरियस WN भी आ चुका था लेकिन यहाँ पर भाग जाएगा फिलहाल। सो स्मोकी यहाँ पर क्या कर रहा है, स्मोकी भाई लैंस को मिल चुका है यहाँ पर एक किल, और श्रेड ओपी को मिल चुका है तीन किल्स, स्मोकी को मिल चुका है दो किल्स, दैट मेक्स अप टीम नंबर 14 सात किल के साथ। यहाँ पर फिलहाल के लिए फ्रैगर जो है मर जाएगा यार, काफ़ी खराब लगा फ्रैगर के लिए, काफ़ी सही किल कर रहा था बंदा लेकिन यार खराब लगा, क्या ही बता सकते हैं अभी फिलहाल। ओके सो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर्स के पास, नेक्स्ट फाइट की तरफ हम लोग मूव इन करेंगे गाइस। देखते हैं कहाँ पर जो है फाइट हो रहा है, चलते हैं टीम नंबर 7 के पास एंड लेट सी। ओके SQT जिसके बारे में मैं कह रहा था कुछ देर पहले, और टीम जो थी यहाँ पर बहुत कोने में थी तो मेरे को दिख नहीं रहा। सो SQT के प्लेयर्स क्लैन के साथ हम लोग आ चुके हैं जो कि यहाँ पर KBR क्वी यहाँ पर एक किल के साथ। ओके यहाँ पर फाइट हो रहा है सर 10 वर्सेस टीम नंबर 7, तो देख लेंगे। AOP इल्यूशन के साथ हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पर वाइल्ड लॉर्ड इल्यूशन यहाँ पर नॉकआउट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर क्या SQT टीम यहाँ पर उनको जो है रश कर सकती है। वाइल्ड लॉर्ड यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, वाइल्ड लॉर्ड को घुस के जो है नॉकआउट कर दिया गया है, और यहाँ पर इल्यूशन अकेला बचा हुआ है, उनको जो है यहाँ पर हीलिंग करना पड़ेगा, हील कर चुका है। और यहाँ पर प्लेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉकआउट कर दिया यार, इल्यूशन क्या ही खेला यार, मज़ा आ गया। प्लेयर्स को घुस के मारेंगे एक पे एक नॉकआउट, और यहाँ पर क्या क्लच कर सकते हैं, जी नहीं गए नंबर 10 के बंदे यहाँ पर खत्म हो जाएगा बाय टीम नंबर 7 यार, मजा आ गया। टीम नंबर 7 के पास सात किल्स आ चुका है गाइस, एक 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 किल्स यहाँ पर। क्वी के पास एक किल, खुश के पास एक किल, और यूची के पास दो किल आता हुआ, यहाँ पर मीक्यू के पास तीन किल्स आता हुआ गाइस, दैट मेक्स अप टीम नंबर 7 यहाँ पर सात किल के साथ। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, ओपी यार गाइस, ओपी लूटपाट कहेंगे गाइस। लास्ट 11 टीम्स बचे हुए हैं, 31 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर है, टीम नंबर 14 अभी भी जोन के बाहर पे, एंड यहाँ पर टीम नंबर 8 के बंदे जो कि है यहाँ पर एक प्लेयर्स बचा हुआ है जो कि शायद से पता नहीं है टीम नंबर 14 के प्लेयर्स को जो कि अभी भी बचा हुआ है। सो लेट्स सी, अभी जोन तो काफ़ी श्रिंक होगा अभी जोन के बाद, देखते हैं फिलहाल जोन जो है काफ़ी किस तरफ शिफ्ट लेता है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके यहाँ पर राइट की तरफ लिया है जोन शिफ्ट मेरे राइट पे। सो देखते हैं यहाँ पर बिहार की अगर बात करो तो यहाँ पर टीम नंबर 3 के प्लेयर्स यहाँ पर होल्डिंग कर रहे हैं, एंड यहाँ पर टीम नंबर 19 वर्सेस टीम नंबर 13 का एक फाइट देखने को मिल सकता है, एंड टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 23 का एक फाइट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी गाइस, जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार इस वीडियो पे, मैं एम कर रहा हूँ 30 लाइक्स तो होना ही चाहिए, 30 से 40। यहाँ पर कौन कौन मर गया एक बार देख लेते हैं गाइस, कौन सी टीम है अभी अभी भी जिंदा है एंड खेल रही है गाइस। 11 टीम से 31 प्लेयर्स गाइस, ओपी। लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पर। टीम नंबर 13 के पास हम लोग चलेंगे, एंड एक सार एक सार विंटेज भाई आ चुके हैं, एंड यहाँ पर शॉन एंड डांटे आ चुके हैं। सो देखते हैं फिलहाल टीम नंबर 13 के प्लेयर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार किल के साथ यहाँ पर होल्डिंग करेंगे अपने पोजीशन। यहाँ पर लॉर्ड टाइटन बहुत ही सामने आ चुका है टीम नंबर 13 के पास, यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर टीम नंबर 19 के प्लेयर्स भी यहाँ पर शॉट ले सकते हैं, यहाँ पर टीम FS बोल्ड यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सी।
एसएलआर हाथ में लेते हुए 6-6 को भी यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं। प्लीज इसको 8 किल के साथ, टीम 19 के पास 8 किल है, टीथ के पास 3 किल्स आ चुके हैं, एडी के पास 3 किल आ चुका है, एंड दैट मेक्स अप टीम नंबर 98 किल्स इन हियर। और यहाँ पर बात करूँ अगर टीम नंबर 22 की, जो कि यहाँ पर विजय यानी कि टीम आ चुकी हैं, आयुष ओपी, असासिन पांडा एंड हेड्स, जो कि बढ़िया खेलते हैं टीम नंबर 22 के लौंडे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर कोई किल्स वगैरह अभी कर पाते कि नहीं, क्योंकि इनके पास तो फिलहाल 0 किल्स हैं। सो देखते हैं गाइस क्या सीन होता है क्या नहीं। टीम नंबर 22 यहाँ पर होल्ड करेगी पोजीशन नंबर, टीम नंबर 23 के प्लेयर्स ही आमने सामने, एक्चुअली बहुत सारे टीम आ चुके हैं आमने सामने, तो मैं अगर कहूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके शॉट दिया जा रहा है, टीडीएस की टीम यहाँ पर 2 किल के साथ निकल चुके हैं, 2 किल से यहाँ पर एक निकाला है, यहाँ पर 1 डीआईओपी 1 किल है, यहाँ पर डिमोन ने भी निकाला है 1 किल। सो इनके सामने टीम नंबर 14 के प्लेयर्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जो कि यूआरई की टीम है बहुत ही ओपन है यहाँ पर स्मोकी, थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो जो है नॉकआउट हो सकते ओपन में। चलते हैं गाइस किसी और टीम के पास, क्योंकि यहाँ पर फाइट जो है बहुत ही स्लो हो चुका है। सो प्लेयर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही बिछड़ के होल्डिंग कर रहे हैं एसक्यूटी टीम, तो भाई एकदम भाई साइड ऑफ दी जोन में खेल रहे हैं, एकदम जोन जोन पकड़ रहे, जोन टू जोन खेल रहे हैं। और लेट्स सी यहाँ पर जोन जो है कहाँ पर शिफ्ट होता है, देखेंगे गाइस हम लोग अभी, क्योंकि जोन जो है अभी शिफ्ट हो जाएगा, टीम नंबर 18 के बंदे भी जोन की तरफ घुसता हुआ। ओके एकदम जोन को पकड़ के जो है खेल रहे हैं यहाँ पर फ्यूरियस WNL के बंदे, 6 किल के साथ यहाँ पर टोटल 6 किल्स निकालते हुए टीम नंबर 18 के बंदे यहाँ पर टोटल। कहाँ पर फाइट हो सकता है गाइस, लेट्स सी जहाँ पर फाइट होगा हम लोग वहीं पर चलेंगे, फिलहाल के लिए तो होल्ड करते हैं यहाँ पर। और जोन की बात करूँ तो अभी तक छोटा हो रहा है, लेकिन प्लेयर्स जो कि यहाँ पर जोन की तरफ बढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे फाइट ले रहे, एकदम से फाइट ले नहीं रहे, शायद से 3 नंबर 3 यहाँ पर फाइट ले सकता है, क्या पता। ओके स्पॉट हो चुके हैं प्लेयर्स यहाँ पर, M24 का शॉट देने का कोशिश किया गया एसेसिन को, और यहाँ पर बॉडी को कनेक्ट हुआ है शॉट्स और लो हो चुके हैं हेल्थ में। सो देखते हैं एसेसिन यहाँ पर क्या करेंगे, और उनको भी काउंटर शॉट्स दिया जा रहा है बाय टीम नंबर 22। हेड्स यहाँ पर जो कि नॉकआउट हो सकते थे, लेकिन शायद से ग्लिच हो रहा है या फिर रेंडरिंग नहीं हो रहा है, क्या पता रिच पे। के काफी बढ़िया यहाँ पर शॉट्स जो है लिया गया, ओके 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 ओके, अरे 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 ये क्या था भाई, शेड अभी को पूरा मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं। सो फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 3 वर्सेस, मैं बता देता हूँ ट्राइंगल सिचुएशन, यहाँ पर टीम नंबर 3 वर्सेस टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 22 के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट दे रहे। स्मोकी बहुत ही लो हो चुका है हेल्थ में, और यहाँ पर स्मोकी जो है ख़त्म हो सकता है एक, ओके यहाँ पर नॉकआउट हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, जी हाँ का स्मोकी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा। NRX ने जो है यहाँ पर नॉकआउट किया है स्मोकी को, बहुत ही प्यारा तरीके से यहाँ पर स्मोकी नॉकआउट हो चुके हैं बाई NRX रिकल्स, एंड लेंस भी यहाँ पर नॉकआउट हो सकते हैं अगर थोड़ा सा जो है देखेंगे नहीं कि प्लेयर्स कहाँ पर होल्डिंग कर रहे हैं। टीम नंबर 3 वर्सेस टीम नंबर 22 के प्लेयर्स, ट्रायंगल सिचुएशन है यहाँ पर, किल चोरी करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, और यहाँ पर एसासिन ने, आयुष ओपी ने लैंस को यहाँ पर जो है नॉकआउट किया है बहुत ही प्यारा तरीके से, और एसासिन जो है किल, ओके एसासिन ने किल को कंप्लीट कर दिया है, सिक्योर कर लिया है किल्स को, और टीम नंबर 22 को मिलता है 1 किल, आयुष ने निकाला है नॉकआउट, और यहाँ पर एसासिन ने इसको जो है कन्फर्म किया है, और प्लीज़ उनसे स्मोकी जो है मर जाएगा फिलहाल के लिए। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर टीम नंबर
थ्री के बंदे यहाँ पर क्या करते हैं। तीनों थ्री की अगर बात करो तो इनके पास 5 किल आता हुआ, ट्रेड भी फिलहाल के लिए अभी तो बचा हुआ है कि लेकिन कब तक देखते हैं गाइस। टीम नंबर थ्री के बंदे अभी जोन की तरफ मूव इन करेंगे और शेड ओपी जो कि यहाँ पर होल्डिंग कर रहे हैं पोजीशन और लेट्स सी इनको, इनके ऊपर शॉट्स आ सकता है क्योंकि पीछे से यहाँ पर टीम नंबर थ्री के प्लेयर्स भी आ रहे हैं और टीम नंबर 22 के प्लेयर्स यहाँ पर होल्डिंग कर, टीम नंबर 19 के प्लेयर्स यहाँ पर होल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर लेट्स सी तीर्थ भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, FND के प्लेयर्स यहाँ पर शॉट्स लिया जा रहा है, टीम नंबर 19 के प्लेयर्स यहाँ पर घुस चुके हैं। लेट्स सी हम लोग चलेंगे रियल की तरफ और टीम नंबर 13 के प्लेयर्स क्या ही बूम बम करते हुए यार मज़ा आ गया ओपी, एक एक करके सारे प्लेयर्स जो कि यहाँ पर ख़त्म होते हुए, लेकिन तीनों 19 में बंदे ने भी यहाँ पर काउंटर फायर दिया है और यहाँ पर नॉकआउट कर दिया है एक सारे एक शॉन को बहुत ही प्यारा तरीके से और लेट सी ओपी यार ओपी मज़ा आ गया। ओके क्या है नेट जो है काम में आएगा, एक सारे एक डांटे यहाँ पर साइज से नॉकआउट हो सकते थे, एक नॉक और एक नेट और यार ओपी नेट कमिंग आउट फ्रॉम टीम FS बोल्ड एंड दैट मेक्स अप टीम नंबर 19 है, 9 किल्स कमिंग अप फ्रॉम टीम नंबर 19। फिलहाल के लिए विंटेज बचा हुआ है, विंटेज क्या यहाँ पर अकेले संभाल पाएगा गेम को लेट सी, बहुत सारे टीम के एक एक प्लेयर बचा हुआ है जो कि यहाँ पर विंटेज टीम नंबर 13 की तरफ से एक नेट इन्होंने भी फेंका है विंटेज भाई ने, सो देखते हैं यहाँ पर विंटेज के पास 2 किल आ चुका है, शेड ओपी के पास 3 किल है और यहाँ पर फ्यूरियस के पास कोई किल्स वगैरह है नहीं, सो एक एक प्लेयर बचा हुआ है एक एक टीम से, सो देखते हैं यहाँ पर 9 टीम्स एंड 17 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर ही है। शेड ओपी ने यहाँ पर NRX को मार दिया है और यहाँ पर NRX बंजे को भी कंफर्म कर दिया है, सो लेट सी चलेंगे उनके पास 5 किल के साथ यहाँ पर शेड ओपी और 9 किल के साथ टोटल टीम किल्स यार ओपी यार ओपी गेम प्ले। विंटेज भी यहाँ पर अकेला फाइट ले रहा है, यहाँ पर शेड ओपी भी अकेले फाइट ले रहे, सो 2 के 2 प्लेयर्स यहाँ पर अकेले ले रहे और यहाँ पर मॉली फेंका जा रहा है इनके ऊपर, नेट फेंका जा रहा है, सो देखते हैं यहाँ पर टीम FS का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि कैसे घुस के मारेंगे, सो देखते हैं फिलहाल के टीम नंबर 13 के प्लेयर्स यहाँ पर क्या करते हैं। ओके एक प्लेयर्स तो यहाँ पर घुस रहा है, सो शायद से विंटेज इसको एक एक करके ले सकते हैं और फिर शायद से टीम नंबर 15 के बंदे भी पीछे ही खड़े हुए हैं, सॉरी टीम नंबर 5 के बंदे पीछे ही खड़े हुए हैं, सो थोड़ा सा जो है यहाँ पर हल्का सा जो है संभल के खेलना पड़ेगा, 3 प्लेयर्स अगर एक साथ घुसते हैं तो सही रहेगा लेकिन अगर एक साथ नहीं घुसते तो एक एक करके अगर घुसेंगे तो शायद से विंटेज जो है तीनों प्लेयर्स को क्लच कर ले और यहाँ पर एक मॉली फेंकते हुए और यहाँ पर ओपी माइंडसेट के साथ यहाँ पर टीम नंबर 19 के बंदे ने पुश किया और ख़त्म कर दिया और यहाँ पर लॉर्ड टाइटन नॉकआउट हो सकता था यार, लिटरली इज ऑन 2 HP यार। देखते हैं फिलहाल के लिए टीम नंबर 23 के प्लेयर्स यहाँ पर क्लोज इन करते हुए, लॉर्ड टाइटन अकेले बचा हुआ है, अरे अरे AKM के साथ यहाँ पर क्या करेगा लेट सी देखते हैं। टीटर 23 TDS की टीम यहाँ पर आ चुकी है और शायद से मार देंगे इनको लॉर्ड टाइटन को शायद से मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉर्ड टाइटन यहाँ पर अकेला बचा हुआ है या फिर क्लच करते क्या पता। ओके पीछे से यहाँ पर थर्ड पार्टी होके टीम नंबर 25 के बंदे ने पीछे से यहाँ पर टपाटप करके पेल लिया यार, क्लैश FTW यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है, लेसी क्लैश FTW कहाँ है, क्लैश FTW को क्या बचा पाएगा यहाँ पर, रियू ओपी या फिर खुद मारा जाएगा देखते हैं। फिलहाल टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 7 टीम नंबर 9 बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर फिलहाल के लिए आ चुके हैं, जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, काफ़ी श्रिंक हो रहा है जोन, ओके एक कार 98 का शॉट तो दिया गया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि प्लेयर्स कहीं और मार रहे हैं यहाँ पर, रियू भाई यहाँ पर कहीं और प्लेयर्स को मारे जा रहे और इनके सामने जो इनके प्लेयर हैं इनके दोस्त हैं और मारे जा रहे हैं, ब्लीड आउट हो रहे हैं क्लैश FTW जो कि है यहाँ पर, चाहे तो बचा सकता था लेकिन बहुत लेट हो गया
पता नहीं यार क्या माइंडसेट लेके यहाँ पर शॉट लेते हैं, और यहाँ पर रियू को भी मारा जाएगा बाई टीम नंबर 5। यार गलती कर पाया था यहाँ पर, स्मोक और करना चाहिए था उनके सामने, खुद जो जा रहा था प्लेयर्स उनके सामने भी स्मोक फेंकना चाहिए था यार, लेकिन क्या ही यार माइंड सेट लेके किया और पता नहीं। और यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे प्लेयर्स, लास्ट के 4 टीम बचे हुए हैं, 10 प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, टीम नंबर 19 7, 25 एंड 23। सो लेट्स ही देखते हैं। एक और शॉट दिया गया यहाँ पर एसक्यूडी खुश केवीआर ने, सो लेट्स सी। शॉट्स तो काफ़ी दे रहे हैं लेकिन प्लेयर्स को ठीक तरीके से जो है यहाँ पर शॉट्स दिया नहीं जा रहा है, इसके कारण जो है प्लेयर्स यहाँ पर नॉकआउट हो रहे हैं, आई मीन नॉकआउट नहीं हो रहे सॉरी। सो अगर थोड़ा सा यहाँ पर पिक करके या फिर लाइक बहुत अगर ओपन में ना जाए तो प्लेयर्स यहाँ पर नॉकआउट होने का संभावना जो है बहुत कम हो जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं टीम 23 यहाँ पर जो कि डिमॉन भाई को यहाँ पर रिवाइव मिल रहा है, सामने है यहाँ पर टीम 25 के प्लेयर्स और बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं यहाँ पर नेस्टी ने यहाँ पर एक प्लेयर्स को ले लिया है ओपीआर। टीम 25 के प्लेयर्स को भी एक बार देख लेते, इट्स टैक वाई ब्रेन ब्रेनिया एक्स यहाँ पर क्या कर रहेगा, सामने आ चुका है टीम 19 के FNT के प्लेयर्स, एकदम भाई साहब क्या ही बसर हो चुके हैं, लाइक बूम बाम बसर हो रहा है। सर टीम 19 के प्लेयर्स भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं बाई टीम 7, यहाँ बहुत ही थर्ड पार्टी देखने को मिला है एक्चुअल में। क्या स्प्रे काम में आएगा गाइस, बहुत तेज़ी से गाड़ी से निकल चुके हैं, टोटल 3 टीम बची हुई हैं टीम 25 के तरफ से खेलते हुए, यहाँ पर एक स्टैक ब्रेनिक्स क्या 10 किल निकाल पाएगा अपने टीम के लिए, एक किल पीछे है तो ओके, यहाँ पर 10 किल लेते हुए यहाँ पर एक स्टैक ब्रेनिक्स उसकी टीम से, सो ये क्या क्लच कर पाएगा यहाँ पर, लेट्स सी। हाथ में G36, सामने है टीम 7 के एक प्लेयर SQD वॉजी के भी 2 किल के साथ 5 किल के साथ, एंड व्हाट अ मूवमेंट, व्हाट एन गेम प्ले कमिंग अप फ्रॉम टीम 25 एक स्टैक वाई ब्रेनिया, यार मज़ा आ गया G36 के साथ जैसे स्प्रे मारा यार, ओपी स्प्रे यार ओपी। सो यहाँ पर टीम 23 की अगर बात करो तो 10 किल के साथ ए भी होल्ड कर रहे हैं, टीम 25 ए भी 11 किल के साथ होल्ड कर रही है, 10 एंड 11 किल, देखते हैं गाइस बहुत ही बढ़िया डोमिनेशन देखने को मिला एक एक टीम से। सो फिलहाल आखिर में बचे हुए हैं 2 टीम जो कि टीम 23 एंड टीम 25 है, सो देखते हैं 6 किल के साथ यहाँ पर अकेले 6 किल निकाले यार, बहुत ओपी है। और एक नेट फेंक रहा है, क्या है नेट काम में आता है गाइस, हम लोग लेते हैं एरियल व्यू एंड लेट्स सी, क्या नेट जो है काम में तो आएगा नहीं, नेट और थोड़ा सा कुक करके फेंकना चाहिए था यहाँ पर ब्रेनिया एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे लेट्स सी, देख लेते प्लेयर नेस्टी को यहाँ पर नॉकआउट हो सकते हैं, नेस्टी यहाँ पर नॉकआउट कर सकते हैं इनको, और यहाँ पर नेस्टी को नॉकआउट कर दिया गया यार ओपी, यार क्या ही मूवमेंट दिखा रहा है बंदा यार, मजा आ गया इसका गेम प्ले देख के। और यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर कमिंग अप फ्रॉम टीम नंबर वन जो कि यहाँ पर TDS की टीम आ चुकी है। सो यहाँ पर नेस्टी ने लिया 1 किल, और यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की अगर बात करो तो देख लो गाइस यहाँ पर ब्रेनिया ने निकाला 6 किल अकेले यार, ओपी गेम प्ले कमिंग अप फ्रॉम टीम नंबर ब्रेनियास एज वेल यार। सो मैं जो हूँ जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, तो भाई ये साउंड अच्छा ही नहीं लगता भाई, लास्ट में एक और प्लेयर बचा होता ना भाई क्लच कर देता बंदा, लेकिन भाई ओपी खेला भाई ओपी। ओके गाइस और एक रूम होने वाला है, सो हम लोग वेट करते हैं उसके लिए।
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. You can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.
रोजर हेलो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक अरे मेरा मतलब इनविटेशन भेजो। है स्ट्रीम नहीं कर ठीक रहे हो है। आप? चल रहा है चल रहा क्या सीन चल रही है आपकी? है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे एक सॉफ्टवेयर अरे सॉफ्टवेयर उड़ गया, उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, उसको इंस्टॉल करके फिर से चलाना कौन पड़ेगा। वो खेल लेते रहो, नहीं तो लैग होगा ना, इसलिए तो भाई पंगे लेते रहो अपने उसके साथ। अरे रॉजर ने भाई बढ़िया वहाँ पर नॉकआउट किया यार दो को, मज़ा आ गया भाई। नहीं, मैं था ही नहीं मैच में, शेट मैं था शेट ही नहीं मैच शेट 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 रॉजर तक ही फ्रेगा था भाई, क्यों कौन था भाई? शेड होगा। फ्लैगा तो मर गया था स्टार्टिंग में, शेड होगा। श्रेड तो भाई लास्ट तक टिका था भाई। वो भाई उसने फायरिंग कर दी वहां पे, उसको बोला हमने। तुम्हारा तो भाई थर्ड पार्टी हुआ स्मोकी। ओ भाई ये लग गई था पे वो तो। भाई को व्हीकल ही थी ना मेन, तो दिक्कत एक ही थी, एक ही व्हीकल थी हमारे पास, वो भी चुराई हुई थी हमने किसी कहीं से। अरे 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 सही, फर्स्ट वाला भाई फाइट अच्छा तो गया। हाँ थर्ड पार्टी गई हमने दो तीन दाज। सही है एक सही है। तो नौके ला गए पहली बार, टैश और वुड्स। चलो ठीक है। कब? अरे यार कोई तो आया ही नहीं यार, इतना लेजेंड भाई को बुलाओ यार एक बार। तो अरे जब डालूंगा ना देखना कैसा लगता है, ठीक है? बोलना, मैंने खुद से वो बनाया है, क्या बोलते हैं, ओवरले वगैरह। वो तो है ही, आ जाना कब डालो देखेंगे। हाँ आज ही डालेंगे, लेट होगा इसलिए तो लेजन भाई को बुलाने के बोल रहे हैं। हेलो लेजन भाई, हेलो। बोलो अरे सबको आने के लिए बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो मतलब बहुत टाइम लगेगा अपलोड लेने में। मतलब 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है ना, तो 2-3 घंटे क्या लग। बोलो क्या अरे एक मैसेज बोलो। मैसेज डाल दो ना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ गाइस, रूम स्टार्ट होने वाला है विद इन 5 मिनट्स, तो आ जाएंगे सब। अरे फिर मुझे करना तो टी अभी वन पड़ेगा। का इंटरनेशनल को नहीं भूल सकते हो आप, T1? अच्छा इंटर, इंटरनेशनल को नहीं भूल सकते। मैंने बोला अगर T1 है नहीं वही नहीं T1 इंटरनेशनल। ये गांडू है यार, मार गांडू है, बोल रहा है कि T1 अलग करो इंटरनेशनल अलग हाँ तो करो। मैंने गलत गलत क्या बोला है, गलत क्या बोला अरे है, T1 क्या गांडू इंटरनेशनल गांडू बोल। सेम वे T1 सेम है, टी इंटरनेशनल वन से और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अलग एक ही है। होता है, लेवल अलग रहता है कि तुम T1 करते ना और इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोई भी T3 भी टीम आती है उसे। इसमें जो इंटरनेशनल टीम है ना वो ऑलरेडी T1 उसको फिलीपींस की T1 टीम है, वो उस हिसाब से है, कंट्री की T1 टीम से है ये सब, उस हिसाब हाँ से टी अपन टू में सिलेक्ट भी करते हमारी हैं। अब वो ऐसे इंटरनेशनल टीम है, वो तो टॉक्सिक वाली। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया से है तो उस हिसाब से होता है। कोई तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया आए से है ही नहीं। हाँ ऑस्ट्रेलिया से टॉक्सिक वो आएगा देख लेना यार, कब आएंगे? है आज रात के मैच को उसका टाइम के हिसाब से होता है ना क्या, रात को? अच्छा वो ना। हाँ, नौ ऑस्ट्रेलिया दस की बजे टीम टी रात को टू कैसे अपन आएगी? अगर नौ दस हम बजे तो मतलब आठ उनके 2-3 बज गए रात के। नौ हाँ तो आठ वो भाई रात को तो खेलती है ना बेतुबी यार लोग, क्या है बेतुबी। वैसे उनके जॉब जॉब के हिसाब से होगा सब, जॉब जॉब। हजार होने वाले हैं लेनेट भैया, 949 हो गए। क्या कल मार खुद बोल रहा था लोग, क्या क्या बोल रहा था? हो जाएगा पर लेकिन हुआ नहीं।
अरे मैंने उसको बोला था कि करा देना, तो अभी उसने बोला है कि 100 तो शायद भेजे हैं, अभी 100 हुआ कि नहीं पता नहीं मेरे को, 800 थे ना, तो हाँ 100 तो हो चुके हैं। कहाँ से 800 था भाई? 900 200 हमको आया था। 800 कितने था ना, तो उसके बाद ना हुआ है 910। कुछ नहीं हुआ है, एक भी नहीं आया है वहां से। अरे मैंने खुद बोला है बहुत सारे, कल रात को भी एक लौंडा आया है, मैं वैलोरेंट खेल रहा था, उसको बोला अरे कि यार ज्वाइन कर, अरे वे एक बंदा आया है, एक दो नहीं टीम आए, नहीं बहुत है। सारे आए, 10-20 आए होंगे। 10-20 आए तो उसमें से एक भी टीम नहीं आई नहीं है रजिस्ट्रेशन में। हाँ वो खेलने नहीं आई है, लेकिन वो मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके रखने देखते के हैं लिए देखते बोला हैं था। देखते हैं, होगा कुछ नहीं, हो जाएगा। अपनी मेहनत है, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी अरे जिसको जिसने बोला था ना, उसका खुद भी वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टम्प वगैरह होता है, एसजी स्पोर्ट्स, उसका भी 10,000 होने वाले हैं। कौन से SG सिनर्जी ग्लोबल इस मैंने आपने सिनर्जी मिड ने एसजी मिडल या नॉर्मल गेमर्स को कोई स्लॉट दिया? किसको? गर्ल्स गेमर, मेघालय अच्छा क्या? हाँ मेघालय। मेघालय को T3 में, स्लॉट लिस्ट में है तो सही, देख तो सही, मेरा डाला तो हुआ है। मैं स्लॉट चेक ही नहीं किया, तो पहले स्लॉट लिस्ट गेमर्स चेक के स्पेलिंग तो करना, ठीक कोई लिखा पूछ रहा करो, है तो। सभी का वॉइस जा रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग पे। मैं कल जाके स्पेलिंग क्यों बनता, स्टार्टिंग टाइम कब है इसका? 4:15 ना, या 4:18 लगा रहा हूँ। 4:18। अच्छा अब मेघालय गेमर्स के स्पेलिंग ठीक करो भैया, MEGHALA भैया, मेजर भैया के रोजर स्पेलिंग नहीं खेल रहा है क्या? ना ब्रो, क्यों क्या हो गया? बस ऐसे ही 4 प्लेयर है इसीलिए। आ जा खेलना अभी तो। स्पेलिंग ये सब नहीं स्पेलिंग नहीं करने में ही बेंच होते हैं। गर्ल्स का गर्ल्स की फर्स्ट मैच मिस हो गई भाई। वो उनको बोलो ना, वो देखते क्यों नहीं है अपना, उनको चलाना नहीं आता स्क्वाड अरे मैं ज्वाइन हूँ ना, वो बेसिक। लोग नहीं ज्वाइन हो सकते भाई। एक जगह से वो एक ही बंदा ज्वाइन हो सकता है। आईडी पास नहीं मिला था आपको लेजेंड भाई? अरे 3 बजे का लिखा हुआ है ग्रुप में, आया था पूरा फॉर्मेशन, इसमें 3 बजे लिखा था आईडी पासवर्ड, आया 2:47 पे था आईडी पासवर्ड लिखा हुआ। इस भाई तरह का मैनेजमेंट, मैं तीन लॉल बजे का ध्यान में रख के मैं वो सब कुछ करने बैठा था कि 3 बजे का आएगा, उस हिसाब से मैंने पूरा प्लान ही किया था। और लेकिन जो यहाँ पर मैं देखता हूँ आईडी पासवर्ड तो जल्दी आ गया था वो सबको, क्योंकि मैंने गर्ल्स लाइनअप में भी डाला था तो वो लोगों ने भी 3 बजे आईडी पासवर्ड मांगा, तो मैं 3 बजे तो ग्रुप में देखने गया था, आईडी पासवर्ड आ गया था, रूम चालू हो गया। ये अब मैं भाई, बहुत कुछ, अब अभी कुछ बोल भी नहीं सकती उन लोगों को, उन लोगों को बोलेंगे डायरेक्ट बैन मार देंगे। ये तो गलत बात है भाई। अभी आईडी पासवर्ड आया 10 मिनट का ड्यू, तो ज्वाइन हो जाओ जल्दी से ग्रुप में। क्या मैनेजमेंट है भाई, स्ट्रीम भी हो नहीं रही है। मैं तो इसको ले कह रहा हूँ, उनको लाइनअप लेके आओ, हम करवाते हैं गर्ल्स, मैं वो करूंगा तो सारे इस कांटेक्ट ले तो लिए भाई, गर्ल्स मैंने इसके लिए। कांटेक्ट निकाल लिए भाई, मैंने पूरा इंस्टा अकाउंट बनाया है ना, उसके पूरा वो सारी गर्ल्स को मैं मैं फॉलो कहता रहा करता हूँ, हूँ उनको भाई। बोलो, उनको बोलो नहीं भाई मैं ऐसे नहीं चलेगा आता स्ट्रीम, है, खुद पर्सन पर्सनली नहीं मेल मैं करना खुद पड़ता पैसा है लग, क्या? नहीं भाई पैसा लगना पड़ता है, उन लोगों को 1000 का इनवाइटेड होना पड़ता है, पैसा ला लगता है। लो, लाओ पैसा 1000 रुपये, मैं एडवांस रूम कर कर लगाऊंगा 1200 रुपये लग, लाओ 1000 रुपये मैं जो एडवांस करा दूंगा पूरा मस्त। एडवांस रूम कट रहता है भाई, 3x लूट मिलता है वहाँ पर, ठीक है, और क्या बोलते, एम एस ऑफ रहता है वहाँ पर, ठीक है। बताया एडवांस हाँ का, सभी का लाओ
सभी का ये मैसेज हजार ऑफ। रुपया कोई लगाओ, 1,000 रुपया कोई लगाओ, मैं ले आऊंगा, मैं 1,200 दे दूंगा। स्मोक, अरे तो स्मोकी लगा लो यार, वन प्लस बंदे भाई बड़े लोग, 1+8 Pro। आप बता भाई, गलत भाई। भाई सही है ये, सुनना जो बात हो रही ना, जो जब अपलोड करूंगा ना सुनना भाई क्या बात हो रही थी। अरे काट वाट कुछ नहीं कर सकता भाई, पूरा रॉ होगा। देखो देखो, अरे क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ गेम की बात कर रहे हो या अभी जो बातें कर रहे हो वो? सब कुछ जा रहा है, सब कुछ सबसे पहले तेरे ही गांड लगेंगे। कुछ नहीं लगेगा भाई तुम, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो चुप चुप ही बैठा हूँ। मैं तो पहले ही बोल दिया कि भाई बात तो जा रही है। हाँ डाल देना, बस स्पाइकर को कर देना, मैं निकल जाता हूँ फिर। थोड़ी इजी होता है ब्रो, स्मोकी थोड़ी इजी था। मैं काम करता हूँ, तेरे को 1 घंटे का एक वीडियो बस भेजता हूँ, ठीक है? तू उसमें कट कर, उसको फिर एडिट कर, ठीक है? हाँ तुम्हारी वॉइस मैंने कम कर दिया है। अरे गाना ही तो लगाया था, फिर बात करना स्टार्ट कर दिया भाई। क्या सुन नहीं पाऊंगा, सब सुन पाऊंगा। थर्टी थर्टी प्लेस आ चुके हैं। चलो do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every
every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
सो हे गाइस, क्या हाल आप सभी का। आई होप सभी अच्छे होंगे। एक और नए मैप के साथ हम लोग लौट चुके हैं जो कि मीरामार का मैप है। फर्स्ट वाला मैप में तो भाई तबाही हो गया था, वीकेंडी का मैप था और भाई क्या ही बताएं। सो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर मीरामार का मैप जो है चालू हो चुका है। फ्लाइट पाथ की अगर बात करूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर साथ लोसिको से लेके यहाँ पर लाख हो गया तक। सो लेसी गाइस, यहाँ पर प्लेस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर प्लेस जो कि यहाँ पर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। सो लेसी ओके, अपने अपने ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे हैं प्लेयर्स। जैसे कि मैं देख सकता हूँ टीम नंबर 6 जा रही है लॉस लियोनिस्टिना 22, टीम नंबर 20, टीम नंबर 9 जो कि लॉस लियोनिस की तरफ ही मूव इन कर रही है। सो देखते हैं गाइस यहाँ पर 70 प्लेयर्स एंड 90 टीम ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मैं देख लेता हूँ प्लेयर लिस्ट यहाँ पर। जी गाइस, यहाँ पर ओके 23 टीम्स है मे बी, तो यहाँ पर ऐसे क्यों दिखा रहा भाई, क्या ही नशे हैं। सो ओके, देखते हैं यहाँ पर कौन से टीम कौन सी प्लेयर जो कि यहाँ पर पहले मारा जाता है। सो देखेंगे हम लोग। पिकाडो की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पिकाडो की तरफ भी प्लेयर्स जा ही रहे हैं धीरे धीरे। सो देखते हैं गाइस कौन जाता है यहाँ पर, इम्बाला कौन जाएगा यहाँ पर, लाबिनिता कौन जाएगा, लॉस लियोनिस कौन जाता है यहाँ पर, लाकोब्रिया, एल पोजो। सो लेट्स सी पावर ग्रिड की तरफ पहुँचा है टीम नंबर 14 जो है यूआरई की टीम ने यहाँ पर लिया है पिकाडो की, पिकाडो को पूरा के पूरा। सेवन लॉस लियोनिस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 टीम आ चुकी है जो कि लैंडिंग कर रही है अपने लोकेशन पे। सो चलेंगे हम लोग टीम नंबर 19 की तरफ जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करके। सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर टीम नंबर 19 की टीम नंबर 9 के पास, जो कि यहाँ पर नन एस क्यू बी की टीम आ चुकी है यहाँ पर, जे के जेड जुएन अजीक एंड यहाँ पर D4R1 आ चुके हैं, डार्क आ चुके हैं, D4 डार्क आ चुके हैं। एंड लेट्स सी टीम नंबर 13 के प्लेयर्स भी यहाँ पर इनके साथ हैं जो कि हैं यहाँ पर एक सर विंटेज यहाँ पर आ चुके हैं, हॉर्नेट आ चुके हैं यहाँ पर, डांटे एंड शॉन आ चुके हैं। सो देखते हैं गाइस यहाँ पर VGN की टीम भी आ चुके हैं, आयुष, पांडा, हेड्स एंड असासिन। सो ओके, इनको जो है स्पॉट आउट कर लिया गया है। पांडा जो है यहाँ पर ओके, हेड्स ने यहाँ पर चालू कर दिया किल निकालना और यहाँ पर हेड्स को मिल चुका है एक किल, पांडा को मिल चुका है फिलहाल 0 किल। आयुष यहाँ पर क्या करेंगे देख लेते हैं। सो फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 20 टीम नंबर 19 एक प्यारा सा फाइट नहीं को मिल सकता है। और यहाँ पर डार्क की अगर बात करो तो डार्क एकदम सामने ही आ चुके हैं, फिलहाल के लिए कुछ लूट तो मिला नहीं है इसको। और यहाँ पर इन दो प्लेयर्स बचे हुए अकेले में, सो शायद से ये भी मारे जा सकते हैं बाई या टीम नंबर 20 के हाथ में। पीछे है टीम नंबर 13 के प्लेयर्स जो कि काफ़ी दूर है। सो एक प्लेयर जो कि असासिन है अकेले यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं और शायद से इनको जो है स्पॉट आउट कर लिया गया है, क्या पता। सो हम लोग चलेंगे दूसरे टीमों के पास एंड लेट्स सी वो लोग क्या कर रहे हैं। और एकदम आखिर में जो है टीम यहाँ पर लैंड की है अपने अपने ड्रॉप लोकेशन पे। सो चलते हैं टीम नंबर 5 के पास एंड लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है। टीम नंबर टॉकिंग अबाउट टीम नंबर 5, यहाँ पर CYB क्लैश FTW आ चुका है। चलते हैं यहाँ पर SYB CM के पास। ओके, ये तो डिस्कनेक्टेड प्लेयर है क्या, नहीं ओके। क्लैश को शायद से यहाँ पर, जी हाँ गाइस, यहाँ पर क्लैश को जो है मारने का पूरा कोशिश किया जा रहा है प्लेयर्स की तरफ से, टीम नंबर 12 की तरफ से। स्क्रीम की अगर बात करें, स्क्रीम एकदम टपा टप दे रहे हैं। और जी हाँ, सेम को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जाएगा, सेम को यहाँ पर जो है स्क्रीम को मिल जाएगा एक किल। और यहाँ पर क्लैश को अभी भी शॉर्ट्स दिया जा रहा है बाई टीम नंबर TS। और यहाँ पर वंशु, यहाँ पर यशु है ना, यशु 45 यहाँ पर एक एम लेते हुए कुछ तो कर रहे हैं और शायद अमन को मारने का कोशिश किया जाए लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया गया जो कि यहाँ पर डिसकनेक्टेड प्लेयर थे। लेट्स सी भाई साहब कितना तेज बारिश हो रहा है भाई, ओपी। मैं सोच रहा हूँ पूरे एक घंटे का रिकॉर्डिंग कैसे अपलोड करूँ गाइज, हालत ख़राब हो जाएगा मेरा, देखते हैं, गॉड नोस जो भी है। सो लेट्स सी, फिलहाल तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइट लिया गया। और यहाँ पर देख लेंगे तीनों 22 के प्लेयर्स भी यहाँ पर आमने सामने आ चुके हैं जो कि यहाँ पर एक्सटैक ब्रेनिक्स है जो कि बहुत बढ़िया खेलते हैं। और यहाँ पर ट्रिक स्टार ने भी अच्छा खेला है यहाँ पर, एक्स्ट्रा सरेंडर ने भी, देखते हैं गाइस चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पर जिंदा है, मौजूद है, गेम के अंदर है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं।
अरे अरे ओके कोई तो मैसेज आया है यहाँ पर, एक सेकंड मैं जाता हूँ डिस्कॉर्ड पे, कोई तो कुछ बोल रहा है। हेलो लेजन भाई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर और एक रूम होने वाला है ना T3 का, 5-6 बजे ना, तो मैं वो भी कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है? शायद से रात को नहीं कर पाऊँगा इसलिए बोल दिया। ओ कास्टिंग शायद से, अरे वो थोड़ा जाना है रिलेटिव के घर, तो चलिए सो कर लेगा ना वो। हाँ एक नया बंदा ला ले। कौन क्या नाम है? बच्चा है लेकिन कमेंट्री अच्छा करता है। सही है सही है सही है, सीख लेंगे हम लोग, मैं उससे थोड़ा क्या बोलते हैं चाहे बच्चे को भी आगे बढ़ाने का थोड़ा क्या बोलते हैं वो ले लेंगे क्रेडिट, हम सबको चांस देते हैं आगे बढ़ने। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, बॉयज जा रहे हैं आपको तो मैं, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मैं फिर एक काम करता हूँ, उस रिकॉर्डिंग को ऑफ करके या फिर कुछ जुगाड़ करके मैं लाइव स्टार्ट करने, क्योंकि यहाँ पर लाइव हो नहीं रहा है मेरा। चलो भाई मैं जाता हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, शायद से मैं और एक स्ट्रीम कर सकता हूँ, उसके बारे में बात करने गया था। सो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। ओके सो यहाँ पर प्लेयर्स तो कुछ तो कर रहे हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं, अरे क्या कर रहा है, प्लेस डिसकनेक्टेड है या फिर क्या सीन हो रहा है इनका। ओके यहाँ पर प्लेस जो कि यहाँ पर डिसकनेक्टेड थे या फिर उनका पिंग लॉस हो रहा था भाई। लॉल ओके सो ओके मेरा हो रहा है क्या, नहीं मेरा तो ठीक ही है सब, मेरा तो ठीक ही है, मैं डर गया भाई। ओके जो भी है गाइस यहाँ पर देख लेते हैं प्लेयर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। टी नंबर कहाँ थे हम लोग, टी नंबर 13 के पास थे। सो अभी मूव इन करते हैं एक एक टीम के पास, चलते हैं यहाँ पर टी नंबर 6 से शुरुआत करते हैं और आखिर तक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स यहाँ पर फाइट ले नहीं रही है, लेती तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर किल फिट के भी आप लोग देख पाते कि प्लेयर्स कहाँ पर फाइट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स जो कि यहाँ पर फाइट ले नहीं रही है फिलहाल के लिए। हम लोग चलते हैं टी नंबर 6 के पास, एंड लेट्स सी टी नंबर 6 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आ चुके हैं। ओके यहाँ पर फाइट चालू हो चुका है डेविल वाइपर ने, जो यहाँ पर फाइट चालू कर दिया है डेविल वाइपर ने, यहाँ पर एक को नॉकआउट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर डेविल नोवा ने भी एरिस को जो है नॉकआउट कर दिया। टी नंबर 17 की तरफ से खेलते हुए यहाँ पर नोवा भाई यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, वाइपर भाई भी यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं। सो फिलहाल AWM बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर डेविल AWM है, और 2 किल के साथ यहाँ पर वाइपर भी 2 किल के साथ 4 किल आता हुआ है यहाँ पर टी नंबर 17 की तरफ से। सो यहाँ पर टीम नंबर 17 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 किल के साथ यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं टीम नंबर 17 के प्लेयर्स। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके, सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। सो यहाँ तो फाइट हो चुका है और हम लोग चलेंगे टी नंबर 19 के पास, जो कि FNT एडी भाई आ चुके हैं और यहाँ पर फाइट लिया जा रहा है टी नंबर 19 वर्सेस टी नंबर 8, जो कि टीम FS वर्सेस टीम डिवाइन, और यहाँ पर डिवाइन जुपिटर आ चुके हैं, रोअर स्कल यहाँ पर फाइट लिया जा रहा है, जुपिटर यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे, एंड लेट्स सी व्हाट इज गोना बी नेक्स्ट, इज गोना बी टी नंबर 19 मोस्ट ऑफ द किल्स, और आर दे गोना लीव दैट फाइट, फॉल बैक करेंगे या फिर क्या करेंगे, लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पर टी नंबर FS बोल्ड नॉकआउट हो चुके हैं, यहाँ पर एडी नॉकआउट हो चुका है, 2 प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं। तीर्थ भाई यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर TPP ले रहे हैं, हाथ में है इनके हाथ में है वेक्टर एंड SKS, यहाँ पर नेट फेंक रहे हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पर बोल्ड नॉकआउट हो चुका है। मैग्मा यहाँ पर क्या करेगा देख लेते हैं, स्कारेल एंड M24 हाथ में लेते हुए यहाँ पर प्लेयर्स को रिवाइव देना चाहिए मेरे हिसाब से। सो देख लेते हैं टी नंबर 8 चाहे तो यहाँ पर पुश कर सकती थी, सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा है, टीम 8 वर्सेस टी नंबर 19 के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट लिए जा रहे। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर एडी को जो है यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं एडी यहाँ पर। ओके एक प्यारा सा नेट आता हुआ टी नंबर 19 की तरफ से, एंड यहाँ पर जो है लो कर दिया गया है हेल्थ यहाँ पर टी नंबर 8 की तरफ से। एडी यहाँ पर जैसे तैसे करके बचे हुए हैं, लेकिन कब तक बचे होंगे सो क्या पता, लेट्स सी।
फिनिश हो सकते हैं यहाँ पर एडी, किल कंफर्म कर सकते हैं टी नंबर एट के बंदे, लेकिन कर नहीं रहे। स्मोक फेंका जा रहा है या फिर नेट फेंका जा रहा है टी नंबर एट 19 के तरफ से, एंड अपने दोस्त को बचाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर एफ एन टी एडी को पूरा बचाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे रेंगते रेंगते आ रहे हैं अपने एडी भाई, लेकिन शायद से यहाँ पर बचा नहीं पाएंगे। और किल मिलता हुआ यहाँ पर टीम नंबर एट के बंदे को, और टीम एट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइन के पास किल एक आ चुका है, स्कल के पास क्रेजी स्कल के पास यहाँ पर एक किल आता हुआ, ड्रॉप भी यहाँ पर गिरता हुआ, नेट फेंका गया है टीम नंबर एट वर्सेस टीम नंबर 19 का, यहाँ पर एक फाइट चलता हुआ गाइस। हम लोग फिर से लेंगे रियल व्यू एनालिसिस गाइस, यहाँ पर नेट का बारिश हो रहा है जैसे कि हम सभी लोग देख सकते हो भाई, नेट पे नेट, नेट पे नेट, नेट पे नेट फेंके जा रहे हैं भाई टीम नंबर एट एंड टीम नंबर 19, काउंटर फायरिंग कर रहे हैं एज ए स्लॉट फायरिंग कर रहे हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है सीन, यहाँ पर 3v3 सिचुएशन है, यहाँ पर प्लेयर्स एक एक मारे जा चुके हैं फिलहाल इनके, और यहाँ पर थ्री मैन प्लेयर्स ही इनके टीम नंबर एट के, और यहाँ पर देसी M4 का स्प्रे दे सकते हैं, और यहाँ पर बाइक से यहाँ पर भाग जाएंगे दो के दो प्लेयर्स, और यहाँ पर बचा हुआ है मैग्मा, यहाँ पर अकेला छोड़ के चले भाग चुके हैं यहाँ पर टीम नंबर एंड इनके बंदे इनको। अरे अरे भाई मैग्मा यहाँ पर हालत ख़राब हो सकता है मैग्मा को, और स्पॉट आउट हो चुके हैं मैग्मा भाई एपिस मैग्मा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा का यहाँ पर कैसे गेम प्ले रहेगा। ओके मैग्मा यहाँ पर एक शॉट मारते हुए, लेकिन मैग्मा भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, नॉकआउट हो चुके हैं, कंफर्म किल कर दिया है टीम नंबर एट के बंदे ने, एंड इनको मिल जाता 8 किल्स इन टोटल गाइस। जीजी ऐसे हम लोग अभी चलेंगे टीम नंबर 4 के पास, लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर फेस निंजा ओपी आ चुका है, लॉर्ड टाइटन आ चुका है, 4DA हेलवा अभी आ चुका है। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या सीन होता है टीम नंबर 4 के तरफ से, देखते हैं हम लोग। ओके यहाँ पर टीम नंबर 19 की अगर बात करूँ, जो टीम यहाँ पर भाग गई थी यहाँ पर फॉल बैक की थी, सो इनके साथ फाइट हो चुका है टीम नंबर 4 का, 2v3 सिचुएशन है। लॉर्ड टाइटन ने यहाँ पर जो है रोटेशन मार देना चालू कर दिया है, नेट फेंक के जो है पूरी की पूरी टीम को वाइप आउट करने का कोशिश लॉर्ड टाइटन का हाथ में है। गेम 416 एक प्यारा सा डैमेज देते हुए नेट का, और लेट्स सी गाइस यहां पर और एक नेट फेंकेंगे, और यहां पर पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो सकती है बाय दैट नेट यार। लेट्स सी ओपी नेट यार, ओपी निंजा ने क्या ही नेट फेंका यार, मजा आ गया। फेस निंजा ने यार ओपी नेट फेंकते हुए, और यहाँ पर एक अरे 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 भाई साहब लॉर्ड टाइटन को यार क्या ही मारा एंड खत्म कर दिया, मेरे को लगा लॉर्ड टाइटन यहाँ पर मार देंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया भाई साहब। अरे यार काफ़ी ख़राब लगा यार। सो फिलहाल टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 8 वर्सेस टीम नंबर 7 का यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है। टीम नंबर 7 की अगर बात हो, चारों के चारों बंदे यहाँ पर अलाइव हैं, एंड टीम नंबर 4 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फेस की टीम आ रही है धीरे धीरे, प्लेयर्स को देखते हुए यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहे हैं प्लेयर्स को। सो लेट्स सी अरे ओपी यार शॉर्ट्स काफ़ी अच्छा दिया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर लॉर्ड टाइटन के लिए मेरे को बहुत ही ख़राब लगा यार, मारने का अच्छा कोशिश किया था बंदे ने लेकिन यार हो नहीं पाया, लेकिन क्या कर सकते यहाँ पर। ओके और भाई साहब क्या ही जोन बना है, माय गॉड भाई ओपी यार। टीम नंबर 21 के पास चल लेते हैं जल्दी से जल्दी, जो कि टीम है यहाँ पर INC की टीम है यूज, उनका लियो एन यहाँ पर जस्टिस आ चुका है, मैंटीज आ चुके हैं यहाँ पर, टीम नंबर 6 के बंदे भी दो प्लेयर बचे हैं जो कि 20 गरुड़ा एंड श्रेंस यहाँ पर बचे हुए हैं। अब एनआरएस की टीम यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, सोले से एनआरएस की कौन सी टीम है वो, जो कि यहाँ पर एक जन जो है यहाँ पर नॉकआउट किया है एनआरएस के बंदे ने, और एनआरएस फ्रैंको ने डेविल को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया, यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है मैप में, यहाँ पर फाइट से यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा है भाई, खिलवा ये तो। ओके यहाँ पर भी शॉट्स लिया जा रहा है, सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके यहाँ पर एक शॉट्स लिया जा रहा है, यहाँ पर NXT टीम भी फाइट ले रही है, और एक प्यारा सा थर्ड पार्टी करते हुए सॉरी आई मीन एक प्यारा सा टीपी भी लेते हुए और एक नॉकआउट करते हुए यहाँ पर INC जस्टिस भाई यार ओपी, शायद उनको पता भी नहीं था कि प्लेयर्स यहाँ पर टीपी भी ले रहे हैं, एंड यहाँ पर जो है प्यारा सा नॉकआउट कमिंग आउट फ्रॉम टीम 21 जस्टिस। सो
मूव इन करते हैं एंड चलेंगे यहाँ पर बाकी के पास। सो जो कि टीम हम लोग चलेंगे अभी चलते हैं टीम नंबर फ्रैंको के पास। एनआरएक्स की टीम फिलहाल के लिए मिल चुकी है हम लोग को, जो कि यहाँ पर एंग्री भाई आ चुके हैं एंड यहाँ पर रिगल्स के पास एक किल आ चुके हैं, फ्रैंको के पास दो किल और यहाँ पर ब्रिनाइक्स ने फिर से जो है किल लेना जो है चालू कर दिया। सो लेट्स सी कहाँ पर फाइट ले रहे, फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते, क्या पता यहाँ पर बहुत सारी टीम तो आ चुके हैं। सो लेट्स सी शायद से टीम थ्री वर्सेज टीम नंबर एट का एक फाइट देखने को मिल जाए, क्या पता गाइस। यहाँ पर टीम नंबर थ्री जो कि एनालिक्स की टीम है, रिकल्स देख लेते हैं रिकल्स यहाँ पर क्या करेंगे। ये फ्रैंको बहुत ही लो हो चुके हैं एक्चुअल में, बहुत ही हेल्थ में लो, उनको हीलिंग करना चाहिए। ओके शॉट्स काफी सही मारा यहाँ पर एंग्री ने लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। ओके रेकल्स यहाँ पर क्या करेगा देख लेते हैं। इस क्यूटी टीम की भी प्लेयर्स जो कि यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट करके आ चुके हैं, 14 टीम्स गाइस अभी भी अलाइव हैं एंड 51 प्लेयर्स जो कि इन गेम है। एंड लेट्स सी आई ब्रेनैक ने यहाँ पर विंटेज को जो है बहुत ही प्यारा तरीके से जो है यहाँ पर मारा है, कहाँ पर अच्छा दो तीन चार जगह पे एक्चुअल में फाइट हो रहा है गाइस। फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हेड्स की टीम भी आ चुके हैं, तो हेड्स की टीम के साथ भी आई मीन विजन की क्लैन आ चुके हैं और यहाँ पर अपने हेड्स पांडा आयुष एंड यहाँ पर एसासिन आ चुका है टी नंबर 20 के प्लेयर्स वर्सेज टी नंबर 5 जो कि यहाँ पर सी वाई बी आई मैन आ चुके हैं। यहाँ पर क्लैश एफ टी डब्ल्यू आ चुके हैं, टू वी थ्री वी फोर सिचुएशन है एक्चुअली, देखते हैं। यार लाइव होता तो यार काफ़ी सही होता है यार, हट यार लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, किस्मत ही भाई हट। ओके सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर टीम नंबर 12 की अगर बात करूँ तो टीएस की टीम यहाँ पर शॉट्स ले सकती है एडब्ल्यूएम से, ऑन दैट एडब्ल्यूएम यार एंड फोरेक्स को और बहुत ही पेशेंस से जो है यहाँ पर स्क्रीम जो है यहाँ पर स्पॉट करके जो है यहाँ पर शॉट लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स बहुत ही मूवमेंट दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस। ओके टीम डिवाइन ने यहाँ पर एस क्यू डी के कुश को यहाँ पर पटका मारा, एस क्यू डी योजू ने यहाँ पर टीम डिवाइन रोड को यहाँ पर पटका मारा काउंटर अटैक में। सो देखते हैं यहाँ पर हेड्स की टीम यहाँ पर क्या करेगी, देख लेते हैं। ओके सो सीन कुछ ऐसा हो रहा है इस पांडा बहुत ही आगे जा चुके हैं विद दैट M416 4X स्कोप एंड एक एम एज वेल। सो यहाँ पर फाइट हो रहा है लॉस लियोनिस की तरफ लॉस पे, सो और यहाँ पर भी फाइट लिया जा रहा है टीम सेवन के बंदों ने जो कि यहाँ पर एस क्यू डी की क्लैन है एंड यहाँ पर फिलहाल के टीम डिवाइन जुपिटर यहाँ पर बचा हुआ है एक प्लेयर विद दैट M416 दो के दो हाथों में यहाँ पर M416 ही है। सो 1v4 सिचुएशन है और शायद से मारे जा सकते हैं बाई एस क्यू डी के पास, यहाँ पर दो किल आ चुका है और एक और किल भूखे हो चुके हैं एक और किल लेने के लिए और यहाँ पर एक शॉट और यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे जुपिटर भाई अपने अनिसी के साथ। मिलता है क्वी को यहाँ पर एक किल और एंड दैट मेक्स अप टीम नंबर 7 यहाँ पर 3 किल्स इन टोटल। सो गाइस बहुत ही अच्छा फाइट ले रहे हैं। ओके सो यहाँ पर आयुष ने जो है बहुत ही प्यारा तरीके से जो है शॉट्स दिया है वीजी एन आयुष ओपी, सो बहुत ही प्यारा शॉट इनका भी और हम लोग चलेंगे टीन और 20 के तरफ एंड लेट्स सी एसासिन यहाँ पर। ओके पांडा को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया, एसासिन यहाँ पर शॉट ले रहे हैं। ओके एसासिन यहाँ पर कमिंग अप इधर ओपी यार ओपी नॉकआउट एंड कंफर्म किल्स एंड यहाँ पर एक और प्लेयर्स को भी यहाँ पर मार दिया जाएगा। ओके यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रहे हैं यार बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए यहाँ पर टीन और 20 के प्लेयर्स यार ओपी आयुष के पास यहाँ पर भी किल्स आ चुका है, एक किल है एसासिन के पास एक किल आ चुका है, हेड्स के पास चार किल्स आता हुआ गाइस जीजी। पांडा को शायद से ओके पांडे यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं हीलिंग कर चुके हैं एंड यहाँ पर टीन ओ 20 कमिंग आवर 6 किल्स इन टोटल गाइस जीजी। तो चलेंगे टीन ओ 22 के पास एंड देख लेते हैं चार किल के साथ यहाँ पर टीन ओ 22 को प्लेयर्स यहाँ पर TGR E2OP यहाँ पर इन्फ्लो ग्रेट को यहाँ पर नॉकआउट गिराते हुए। सो देख लेते हैं टीन ओ 3 के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरे बग्गी में एक प्लेयर बचे हुए यहाँ पर रिकल्स एनआरएक्स रिकल्स यहाँ पर एक किल के साथ तीन किल्स यहाँ पर कमिंग अप फ्रॉम टोटल।
और देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स अब जोन की तरफ मूव इन करते हुए, और बहुत सारे प्लेयर्स जोन के बाहर है तो उनको भी जो है जोन के अंदर आना पड़ेगा और एकदम सही से खेलना पड़ेगा एकदम धीरे धीरे। और टीन और 16 के पास चलते हैं, लेट्स सी कौन सी टीम के साथ फाइट ले रही है। टीन और 16 के बंदे एकदम हालत ख़राब हो चुके हैं और यहाँ पर फाइट ले रहे हैं साइड से टीन और 14 के साथ। जी हाँ गाइस, फ्रैगर यहाँ पर नॉकआउट हो सकता, ओके फिनिश हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी, मैं चलेंगे रियल व्यू की तरफ और बाकी की टीम कहाँ है यहाँ पर। यू आर के लैंस यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रेट ओपी यहाँ पर क्या करेगा देख लेते हैं। सामने है टीम और 16 के प्लेयर, चाहे तो मार सकता है जाके नेट हाथ में लेते हुए। क्या करेंगे, फॉल बैक करेंगे या फिर क्या करेंगे, क्या रहेगा इनका स्ट्रेटेजी। सो देखेंगे हम लोग एक एक प्लेयर एक ही टीम से, दो दो प्लेयर एक एक टीम से बचे हुए हैं फिलहाल की, एक दो सिचुएशन है। सो लेट्स सी, ओके सामने जो है ड्रॉप गिरा है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार ड्रॉप को भी देख लेते हैं, क्या पता क्या आया है ड्रॉप के अंदर। ओके ड्रॉप, ओ माय गॉड, दो दो ड्रॉप एक ही जगह पे, भाई साहब ओपी यार। फर्स्ट ड्रॉप को हम लोग देख रहे हैं, ओके MK-14 है जो कि लेवल 3 विद हेड गियर एंड वेस्ट था। सो ले लिया है एक टीम ने। एंड दूसरी ड्रॉप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आ चुके M249, माय गॉड यार ओपी। और यहाँ पर फिर से टीन ओवर 20 ने जो है चालू कर दिया फाइट लेना, तो जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट चलेंगे उनके साथ। एंड अब आयुष के पास फिलहाल 2 किल ऑल आ चुका है, हेड्स के पास 4 किल और आ चुका है, असासिन के पास फिलहाल 2 किल था और यहाँ पर पांडा के पास फिलहाल के लिए 0 किल है। फाइट लिया जा रहा है टीम नंबर 20, यहाँ पर फाइट ले रहा है बहुत ही प्यारा तरीके से बाई टीम नंबर 22। तो देख लेंगे टीम नंबर 22 के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर, टीम नंबर 22 वर्सेज टीम नंबर 20। सो देखते हैं गाइस किसका जीत होता है और कौन यहाँ पर डोमिनेशन दिखाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो देखते हैं, ओके पीछे से एक और प्लेयर आ रहा है, ओ भाई साहब यहाँ पर सैंडविच मोमेंट हो सकता है टीम नंबर 22 का। और लेकिन क्या 22 को संभाल के खेलना पड़ेगा, मौके का फ़ायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर शायद उनको पता नहीं है कि टीनर सेवन के बंदे जो हैं इनको जो है पीछे से पुश कर रहे हैं और उनको पुश हो भी चुका है। सो लेट्स सी उनके तरफ चल लेते हैं। यहाँ पर KBR एंड यहाँ पर कुश भाई यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, ये जो आ चुके हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 20 वर्सेज टीम नंबर 22 का फाइट चल रहा है फिलहाल। भाई साहब किसको छोड़ के किसको दिखाऊंगा, इसको छोड़ के किसको दिखाऊँ, इसको भाई क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ फाइट हो रहा है, वहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ तो भाई यहाँ फाइट चालू हो रहा है। भाई यार क्या ही चल रहा है भाई, 3-22 यहाँ पर फाइट दे रही है और यहाँ पर SQD टीम को जो है यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो है फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा भाई 3-22। एंड 3-22 इज कमिंग अप विद दैट 8 किल्स इन हियर। एंड टॉकिंग अबाउट टीम्स यार गाइस, टोटल टीम बची हुई है 10 एंड 31 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर ही है। जोन जो है काफ़ी छोटा हुआ है यहाँ पर, मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। और यहाँ पर आयुष ने यार क्या ही पटका दिया यार, मज़ा आ गया पटका देख के। आयुष का एक और पटका जोन के बाहर और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे किल्स को। और लेट्स सी और क्या स्प्रे मार पाएंगे यहाँ पर आयुष भाई, एक और यहाँ पर ब्रिनाई ने यहाँ पर एक और किल ले लिया, यहाँ पर निंजा ने भी मारे जाएंगे निंजा भाई यहाँ पर। सो फिलहाल के लिए 10 टीम बची हुई है, 29 प्लेयर्स अभी भी इन गेम है और यहाँ पर 3 और 4 की तरफ से खेलते हुए एक प्लेयर बचे हुए जो कि हेलबॉय आ चुके हैं। 3 और 16 की तरफ से यहाँ पर चारों के चारों बंदे बचे हुए हैं, 3 और 3 के एक बंदे बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर एनएक्स ब्रेकर्स आ चुके हैं। यहाँ पर लेट्स सी ब्लेज भाई यहाँ पर फाइट ले रहे हैं जो कि यहाँ पर 3 और 16 की तरफ से खेलते हुए, और यहाँ पर लेट्स सी TGR के ब्लेज भाई यहाँ पर शायद से नॉकआउट हो सकते थे लेकिन थोड़ा सा जो है अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए यहाँ पर फिर से फाइट लेने का कोशिश किया जाएगा। 3 और 16 यहाँ पर आ चुके हैं, 3 और 18 भी यहाँ पर फाइट ले, 3 और 16 वर्सेज 3 और 18 का यहाँ पर फाइट हो रहा है। लेट्स सी गाइस, TGR वर्सेज RBD डेड शॉट, BTC यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, फ्यूरियस WNL यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, मनराज भी यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, फरहान यहाँ पर फाइट ले रहे हैं यहाँ पर SLR का विद दैट 6x या फिर 8x स्कोप यहाँ पर। लेट्स सी गाइस 3 और 18 वर्सेज 3 और 16 यहाँ पर पांडा भाई भी यहाँ पर उस साइड फाइट ले रहे हैं, हेड्स यहाँ पर सुरेंद्र को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए, ब्लेज भी यहाँ पर मनराज को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए यहाँ पर दो दो जगह पे एक टाइम पे फाइट हो रहा है गाइस 3 और 16 या 3 और 20 के साइड से। सो लेट्स सी 3 और 16 वर्सेज 3 और 18 फिलहाल के लिए फाइट हो रहा है और वहाँ फाइट हो रहा है 3 और 20 की तरफ से। सो यहाँ पर पहले फाइट देख लेंगे हम लोग, और NRX रिकर्स जो कि अकेले बंदे बचे यहाँ पर थर्ड पार्टी करने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर गोटे यहाँ पर जो है फारेस्ट को नॉकआउट करते हुए, ब्लेज ने यहाँ पर फ्यूरियस को नॉकआउट करते हुए यार ओपी यार क्या ही फाइट देखने को मिला यार, मजा आ गया। 8 टीम बची हुए हैं यहाँ पर, 20 प्लेयर्स बचे हुए, 51 प्लेयर्स थे अभी 20 प्लेयर्स बचे हुए हैं। भाई साहब क्या ही बूम बम हुआ यार, मजा आ गया देख के ओपी यार। सो गाइस एक बार जोन देख, ओके भाई 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 जोन क्या देखो भाई, फाइट पहले देख लेता हूँ भाई, जोन देखने जा रहा था। ओ भाई
ये लोग बोल रहे भाई तू जोन देखने जा रहा था, चल हम तुम लोग को फाइट दिखाते हैं, टीम 16 vs 16 और 23। ओपी यार। ओ भाई नेट का बारिश हो रहा है हर जगह से भाई, काउंटर फायरिंग दिया जा रहा है फ्रॉम टीम 16। और फिलहाल के लिए मैं ऐसे रखूंगा एरियल व्यू एंड लेट्स सी। ओ भाई क्या ही शॉट्स दे रहे प्लेयर्स यहाँ पर, टीम नंबर 20 vs टीम नंबर 16। यहाँ पर कौन किसको मारे, रेकल्स वहाँ पर पीछे है थर्ड पार्टी करते हुए, कर सकता है रेकल्स यहाँ पर। रेकल्स को पॉइंट ऑफ व्यू एक बार देख लेते, रेकल्स चाहे तो यहाँ पर शॉट्स ले सकते हैं लेकिन क्यों नहीं लिया मालूम नहीं मेरे को। फिलहाल के लिए टीम नंबर 16 vs टीम नंबर 23 फाइट ले रहे हैं, लेट्स सी। चारों के चंद बंदे यहाँ पर अलाइव हैं, 3v4 सिचुएशन। और यहाँ पर पेडो यहाँ पर मार सकता है और यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है पेडो। और यहाँ पर फिनिश ऑफ कंफर्म कर दिया जाएगा गाइस टीम नंबर 23 के तरफ से। सो फिलहाल की 3v3 सिचुएशन, हर्ष यहाँ पर क्या करेगा देख लेते। ब्लेज यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है हर्ष का वो शॉट, और यहाँ पर इनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। 2v2 सिचुएशन है फिलहाल के लिए ब्लेज यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी, टीम नंबर 23 को वाइप आउट कर दिया गया है बाई टीम नंबर 16 यानी इनको पास आता हुआ 12 किल्स। यार ओपी क्या ही फाइट ले रहे हैं गाइस टीम नंबर 16 के बंदे। अरे 7 टीम बची हुए हैं, 15 प्लेयर जो कि अलाइव है भाई साहब। ओपी यार। ओके यहाँ पर आयुष भाई एंड असासिन मर चुके हैं फिलहाल के लिए, पांडा यहाँ पर जिंदा है 3 किल के साथ, हेड्स यहाँ पर 5 किल के साथ। यार ओपी। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पर टीम 12 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर टीएस क्रीम वाई यहाँ पर 1 किल के साथ लेते हुए फिलहाल के लिए रिवाइव दे रहे हैं। लेट्स सी, एक ही जगह पे भाई 3-4 फाइट हो रही है भाई, क्या किसको छोड़ के किसको देता हूँ भाई। 7 टीम एंड 15 प्लेयर बचे हुए हैं, हर एक जगह पे टीम है, हर एक जगह पे टीम है, मतलब किसको छोड़ के जाऊँ तो उसके वहाँ पर फाइट चालू हो जा रहा है। सामने है यहाँ पर टीम नंबर 5, यहाँ पर मिडिल में फंस चुके हैं टीम नंबर 12 के प्लेयर, साइड में है टीम नंबर 21, पीछे से आ रही है टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 20 जो है एक छोटे से बंकर को होल्ड करते हुए मेरे को दिख रहा है। लेकिन भाई बहुत ही खराब सिचुएशन है यहाँ पर, जस्टिस ने यहाँ पर सीबी वाईएमएन को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया ऊपर से या टपा टप करके, और यहाँ पर किल को कन्फर्म कर देते हैं। क्लैश यहाँ पर मर सकते हैं, यहाँ पर लेटे हुए हैं, मेरे हिसाब से लेटे नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर भी शॉट्स आ चुका है और यहाँ पर क्लैश को भी खत्म कर दिया। भाई ऐसे कौन ओपन में सोता है भाई मेरे को बताओ। इनेक्ट रेजल ने जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए यहाँ पर 1 किल को कंफर्म करेंगे और इनके पास आ जाता है 2 किल्स, और एक के पास टीम के पास आता है 4 किल्स इन्हें। सो गाइस 6 टीम बची हुई है, 12 प्लेयर्स अभी भी अलाइव है। हेलबॉय यहाँ पर अकेले बचे हुए हैं टीम नंबर 3 की तरफ से खेलते हुए, रिकल्स अकेले बचे हुए हैं एंड बाकी के 2-3 प्लेयर बचे हुए हैं टीम नंबर 12 के, यहाँ पर 2 प्लेयर टीम नंबर 16 के, 3 प्लेयर्स बचे हुए हैं एंड लेट्स सी। और एक TGRE टॉप यहाँ पर एक प्लेयर को नॉकआउट करते हुए विद दैट MK14। हे ओके मेरे को लगा हेड्स था वो। लेट्स सी यहाँ पर पांडा एंड हेड्स में एकदम टपा टप बैठे हुए हैं भाई। ओपी यार भाई, ठीक है लेकिन संभाल के देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ना हो। यहाँ पर गाड़ी को भी ऐसे लगा के रखे हैं कि भाई लग रहा है कि भाई ऐसे ही गाड़ी खड़ा है। तो देखते हैं हेलबॉय यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, सो हेलबॉय को शायद पता है कि प्लेयर जो कि सामने आ चुके हैं या फिर नहीं, क्या पता। ओके अभी शायद से पता लग चुका है कि शायद से उसी अंदर होगा। रिकेल्स ने एक और प्लेयर को यहाँ पर ले लिया भाई, रिकेल्स भाई तुम क्या कर रहे हो। ओके ओके ओके, क्या नेट कनेक्ट होगा गाइस, लेट्स सी भाई। रिकेल्स भाई ओपी यार। अरे अरे भाई गूगल क्यों, भाई नहीं चाहिए भाई। भाई लॉल भाई, ओ भाई ध्यान ध्यान से बोलना पड़ेगा नहीं तो भाई फिर से ओपन हो जाएगा अपना क्रोम। हाँ क्रोम, डिस्प्ले ही नहीं खुल रहा वाह। अरे 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 कौन बोल रहे हो, हेलो। ओ भाई इंटेंस मोमेंट गाइस, इंटेंस मोमेंट बोलते। रेकेल्स यहाँ पर अच्छा खेलते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए टप्पा टप किल निकालते हुए यहाँ पर, और हेलबॉय भी यहाँ पर कोई किल्स फिलहाल के लिए तो निकाला नहीं है। और यहाँ पर टीनो 20 भी मस्त है यहाँ पर बैठे हुए, हेड्स भाई भी यहाँ पर मस्त बैठे हुए, यहाँ पर स्मोक एंड नेट्स फेंक रहे हैं फिलहाल के लिए, और इनके तरफ से शॉट दिया जा रहा है गाड़ी को जो है पंक्चर कर रहे हैं प्लेयर्स, यहाँ पर शॉट दे रहे गाड़ी को। पांडा भाई यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, क्या बच पाएगा। ओके बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्मोक वॉल करते हुए पांडा को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया, हेड्स यहाँ पर नॉकआउट हो सकते थे, क्या वो बच पाएगा, क्या वो बच पाएगा गाइज। कोशिश तो बहुत कर रहा है अपने हेड्स भाई यहाँ पर बचने का, भाई बहुत ही ओपन है हेड्स। और जी हाँ गाइज खत्म कर दिया जाएगा बाय टीम नंबर 16।
अरे 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 व्हाट अ रिफ्लेक्स कमिंग अप फ्रॉम हर्स यार, मजा आ गया देख के रिफ्लेक्स। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर टी नंबर 12 के बंदे एक प्लेयर जो कि यहाँ पर नॉक आउट, रेकल्स चाहे तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कर सकता है। रेकल्स भाई क्या कर रहे हो, विद दैट M416 एंड यूजी का स्प्रे देते हो, यहाँ पर यूजी लेना चाहिए मेरे। अरे 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 और यहाँ पर रेकल्स को खत्म कर दिया जाएगा बाई टी नंबर 16। हर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए टी नंबर 16 या फिर टी नंबर 12 या फिर टी नंबर 4, देखते हैं गाइस किसको मिलेगा विनर विनर चिकन डिनर, लेट्स सी। यार ओपी यार, बहुत ही अच्छा शॉट्स लिया गया। ओके एकदम ढूंढ रहे हैं टीम नंबर 16 के बंदे, यहाँ पर 16 किल्स करते हुए यार ओपी टीम नंबर 16 किल्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस। ब्लेज विद दैट ओपी स्प्रे, लेकिन और देते हो यार, कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर शॉट्स। और यहाँ पर स्क्रीम जो है यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं बाय हेल बॉय, और हेल बॉय ने यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए और ऊपर को भी चा, अरे 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 ऐसे ही होता है गाइस जब आप एनिमी आपके ऊपर रहते हैं और आप नीचे रहते हैं। और यहाँ पर चिकन डिनर मिलता हुआ टी नंबर 16 को, यार इजी विनर टी नंबर 16 के लिए, बहुत ही अच्छा खेले टी नंबर 16 कमिंग अप विद दैट ओपी चिकन डिनर गाइस ओपी। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ प्लेयर लिस्ट, हियर यू गो। अरे अरे क्या हो गया, ओके चलो ओके गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक लिए गाइस अलविदा, मिलते हैं फिलहाल एक और नई स्ट्रीम में, चलते हैं फिर।